Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osun. Today's hit music on पीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। पुलिस इन्वेस्टिगेटिव्स अब घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस मामले की तह तक पहुंच सके जहां एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। पुलिस कमिश्नर ने कल एक स्पेशल टीम को डिप्लॉय किया था ताकि वे इस पर छानबीन कर सके, जबकि फेसबुक पर दावे किए जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटिव्स ने उस 13 वर्षीय विक्टिम का बयान रिकॉर्ड कर लिया है जिसे सप्तांत सवेनी लोटुका में एक ग्रुप द्वारा अगवा करने की कोशिश की गई थी। ऐसे दावे पहले भी किए गए थे, हालांकि सभी झूठे साबित हुए थे। हालांकि पुलिस का मानना है कि बच्चों से संबंधित कोई भी मामला लाइटली नहीं लेना चाहिए। बच्चा उनके पास से भागने में सफल रहा, हालांकि उनका कहना है कि उसने एक फ्रिज देखा था जिसमें उसकी उम्र की एक बच्ची थी। लोगों से मांग की जा रही है अगर उनके पास इससे संबंधित कोई भी जानकारी हो तो वे क्राइम स्टॉपर्स को संपर्क करें। प्राइम मिनिस्टर वरेंगे बेनी मरामा ने ऑपोजिशन और सोडलपा लीडर सितिवेनी रंबुका से कहा है कि वो लोगों से झूठ बोलना छोड़ दे। सिडनी से एफबीसी न्यूज से बातें करते हुए बेनी मरामा ने कहा कि रंबुका का ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में शामिल होना शर्मनाक और बेमतलब है। फिजी के काउंसिल में शामिल होने को लेकर सोडलपा लीडर काफी कुछ कह रहे हैं और बेनी मरामा ने कहा कि रंबुका फिजी की नियुक्ति से खुश नहीं है। रंबुका ने सोशल मीडिया पेज पर बेनी मरामा पर ये आरोप लगाया है कि वो झूठे हैं, जबकि उन्होंने 2006 में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया था और सत्ता पलटाव किया था। बेनी मरामा का कहना है कि देश के प्रगति में पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि फिजी के प्रोग्रेस को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने तम्बाकू बेचने और प्रोड्यूस करने वाले लाइसेंस एप्लीकेशन टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया है। टोबैको कंट्रोल रेगुलेशंस 2019 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने करंट टोबैको और सूखी वेंडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स तथा इंपोर्टर्स को अपने लाइसेंस को रजिस्टर करने के लिए इसी महीने के अंत तक का समय दिया है। अर्जी के एक्सटेंशन को इस साल के बजट कंसल्टेशंस के कारण बढ़ाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इस ऑफ एक्सटेंशन को भविष्य में नहीं बढ़ाया जाएगा। और खेलकूद के खबरों में शुक्रवार को एक बहुत ही क्रूशल मैच होने को है, जब दो पैसिफिक राइवल्स फिजी वॉरियर्स और टोंगा ए वर्ल्ड रग्बी पैसिफिक चैलेंज के तहत एक दूसरे का सामना करेंगे। दोनों टीम्स ने एक दूसरे का सामना पिछले साल किया था, जब फिजी वॉरियर्स की जीत टोंगा ए से 57-7 से हुई थी। फिजी वॉरियर्स कोच सेनोरुसी सेरुवाकुला का कहना है कि वे अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, जबकि टोंगन्स अपने कैंप में फिजिकली फिट लग रहे हैं। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों तथा अन्य नवीनतम जानकारियों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Dates, I always listen to Gold FM, only the classic hits in Lambasa. Bula, my name is Miriamma. For the best news updates, I only listen to Gold FM here in the Kasi. Gold FM, only the classic hits.